बिल्कुल सही होंगे, ठीक होंगे और दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आप सोच रहे होंगे कि आज हम वीडियो शुरू कर रहे हैं सब्जियों से, और सब्जियों में जी आधा बैंगन है, बैंगन आधा मैंने लिया है काट, तो बना के रही हूँ, आ जाए आपको दिखाती हूँ। ये जी बैंगन को मैंने काट के हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाया, कुकिंग ऑयल यानी कि मैंने कुकिंग ऑयल आज ये वाला जैतून का तेल जो है वो इस्तेमाल किया है, तो इसके साथ मैं सब्जियाँ फ्राई कर रही हूँ, और ये जो सब्जियाँ ये भी मैंने सारी इसी तरह फ्राई करनी है, और साथ ही इधर मैंने स्टीम रोस्ट चिकन कर रही हूँ, तो उसको मैंने दही में सारे मसाले लगा के हल्का सा तेल डाला था, तो उसको मैंने रख दिया ढक्कन बंद करके, मैंने कहा इसका ज़रा ना चिकन गल जाए, तो जैसे चिकन गल जाएगा फिर मैं आँच तेज़ कर दूँगी, ठीक है जी। तो फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे आगे दिखाती हूँ कि और क्या बना रहे हैं साथ इन सब्जियों के, खाना कैसे हमने। अच्छा जी, ये मैंने डाल दिए हैं तेल, तेल नहीं कुकिंग ऑयल, कुकिंग ऑयल नहीं, ऑलिव ऑयल, ठीक है जी। तो ये मैं इस तरह करके ना इनके ऊपर से तेल लगा रही हूँ, साड़े मैंने चेंज कर दी, इनको मैंने हल्का हल्का सा बस इस तरह पकाना है, ज़्यादा हमने गलाना नहीं, आपको पता है ना इस तरह सा हल्के हल्के से इनको पका के तो खाते हैं, तो ये ज़रा सब्ज़ी जो होती है ना थोड़ी ताकत वाली हो जाती है, क्योंकि हम पका पका के सारी सब्जियों के विटामिन देते हैं ख़त्म कर, तो आज मैंने कहा कि आज हम ना विटामिन वाले खाने खा रहे हैं, तो चलें आपको भी दिखाते हैं। चलें जी फटाफट मैं इसका भी चूल्हा तेज़ करती हूँ, इसका पानी खुशक करती हूँ, चिकन हमारा जो है ना वो गया है गाल, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ आगे, ठीक है जी। बाकी की सब्जियाँ साथ साथ फ्राई करती हूँ तो आपको दिखाती जाती हूँ। अच्छा जी, कुछ बैंगन जो है वो देखिए तैयार हो गए हैं, तो वो मैं इस तरह निकालती जा रही हूँ, इसमें निकाल निकाल के रखती जा रही हूँ, और साथ ही मैंने जो बाल हो रही है ना वो देखिए मैंने आपको दिखा दी, ये देखिए मैंने छिलका वगैरह कोई नहीं उसका काटा, तो इसी तरह छिलके के साथ ही ना मैं इसको भी ना फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह हल्का सा फ्राई कर रही हूँ, तो इसके ऊपर हम सिर्फ नमक डालेंगे, तो नमक डाल के खाएंगे, जिस खाने के साथ हमने खानी है वो हम आपको बाद में दिखाते हैं, ठीक है जी। इसी तरह मैं एक एक करके सारी सब्जियां जो है फ्राई करके जा रही हूँ। ये जी बैंगन सारे हो गए हैं फ्राई, तो यहाँ पर जी मैंने डाल दी है तोरियाँ सारी, कुछ जो है वो पक गए हैं, कुछ जो अभी मैंने डाली है, जिस तरह पकती जा रही है मैं निकालती जा रही हूँ। यहाँ पर हमारे चिकन का पानी भी काफ़ी खुश हो चुका है साथ साथ, ये जी हमारी तोरियाँ जो है ना वो आधी हो चुकी हैं, पक चुकी हैं और आधी सी रह गई हैं, तभी मैंने मिर्चें जो है वो भी डाल दी, तो इस तरह मैं इसमें नमक डाल रही हूँ, जो मिर्चें हैं उसके मैंने बीज वगैरह निकाल दिए हैं, और इसी तरह मैंने इनको भी हल्का हल्का सा फ्राई करना है, ये देखें इसके अंदर से बीज मैंने निकाल दिए हैं, ये देखें जी हमारे चिकन का पानी जो है ना काफ़ी खुश्क हो चुका है, इसमें अभी मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, अभी इसकी साइड जो है ना वो पक चुकी है, दोनों साइड मतलब दोनों साइडें जो है ना वो पक चुकी हैं, अभी ब्राउन नहीं हुई है क्योंकि मैंने इसकी आँच आहिस्ता की हुई है, आहिस्ता आहिस्ता ब्राउन हो गई, जैसे इसका कलर भी चेंज हो चुका फिर मैं आपको बता दूँगी। ये जी हमारी मिर्चें भी पक गई हैं, समझे जैसे हम ग्रिल कर रहे हैं ये ग्रिल हो गए, ठीक है जी। इधर जी मिर्चों की जगह हमारी ले ली है गाजरों ने, और गाजर पर भी थोड़ा सा नमक मैंने ऐसे डाल दिया, तो आप चाहें तो इसमें नमक मिर्चें लगा सकते हैं, लेकिन हम इस तरह फीकी ही खाते हैं, ठीक है जी। इधर जी गाजरों की एक साइड पक गई, इनको मैंने इकट्ठा कर दिया है, तो इकट्ठा करके उस मैंने आलू दिए हैं डाल, ठीक है जी। अच्छा जी, गाजरे भी हो गई थी, आलू आधे पक गए, आधे मैंने और डाल दिए, तो इनके ऊपर मैं थोड़ा सा ढक्कन रख दी ताकि नरम हो जाए। यहाँ पर मैंने रख दिया तवा, तवा किस लिए रखा है वो भी आपको बताती हूँ। यहाँ जी तवा इसलिए रखा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें आपको पता चल गया होगा हम बना रहे हैं नान, ये नान के आटा मैंने बना के रखा हुआ था, वो भी फूल गया तैयार हो गया, तो मैं जल्दी जल्दी से नान बनाती हूँ। ये जी नान मैंने दिया है डाल, ये जो आपको बर्तनों के शोर आ रहा है ना, आज नवेरा भी मेरी मदद कर रही है, कह रही मामा मैं भी आपकी मदद करती हूँ, मैंने कहा करो फटाफट। ये जी मैं नान को सेकने लगी हूँ, अब इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह घुमा घुमा के ना फिर मैंने नान को पका देना, ठीक है जी। तनवेरा ने भी काम कर, ये देखें जी नान हमारा हो गया है तैयार, ये देखें मैंने कहा मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए कितना प्यारा खूबसूरत सा तैयार हो गया। यहाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह जी सब्जियाँ सारी हमारी हो गई तैयार, इधर जी हमारा चिकन जो है वो भी आते आते चट्टों में है, ये देखें इसकी जो है कलर चेंज होने लग गया, क्योंकि मैंने आँच आहिस्ता कर दी, मैंने कहा सारा कुछ तैयार हो जाता, तो फिर इसको भी एक साथ करती हूँ, तो इसको भी अभी मैं निकालती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है जी। ये देखें जी ये हो गया है ब्राउन, अभी मैं इसको प्लेट में डाल रही हूँ, तो फिर चलते हैं दस्तरखान के बैठ के खाते हैं और आपसे मिलते हैं, ठीक है जी। ये देखें जी हमारा चिकन और सब्जियाँ तैयार है, फटाफट चलते हैं अंदर, सख्त भूख लगी है। ये देखें जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारा दस्तरखान लग गया है, ये देखें मैंने सब अपनी प्लेट बना रहे हैं, तो यहाँ पर कोका कोला जी पुत्र, ये धनिया पुदीने की चटनी है, नहीं धनिया पुदीने की नहीं, रायता बनाया है मैंने उसका काली मिर्च और नमक डाल के, ये कोका कोला है और साथ माइनस केचप वगैरह है, और ये एक प्लेट राइस की है, मीना साहब ने देखी नहीं राइस,
तो उन्होंने कहना था मुझे राइस ही दें। तो ये मोई साहब इधर बैठ गए। मोई साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है मेरे पुत्र का? चले जी हम खाते हैं और आपसे चाहते हैं इजाज़त। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और किसी बहन भरा ने खाना हो फटाफट हमारी रेसिपी देखें, पकाएं और खाएं और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको कैसी लगी। हाँ इतनी छोटी वीडियो बहुत है, इतनी छोटी वीडियो वेंदे ही को नहीं तेरे भैन भरा, आजकल बहुत थोड़ी वीडियो वेंदे ने व्यू ही को नहीं आंदे है। तो मिलते हैं फिर से किसी और वीडियो में किसी और जगह पर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।